अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ फिश मसाला फ्राई। मैंने 2 पॉम्पलेट ले लिए हैं, उसे मैंने नमक और नींबू मिलाकर आधे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर कर रख दिए थे। अब मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर कर ले लिए हैं। इसके ऊपर चीरे लगा लिए थे। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। मैंने एक प्लेट में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, सब मसाला मैंने हाफ टीस्पून लिया है, हाफ हाफ टीस्पून। उसमें मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है और नींबू ऐड किया मैंने 1 चम्मच जितना, और मैं 1 चम्मच पानी डालूंगी इसमें और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। मिलाकर मैं फिश के ऊपर मैरिनेट कर दूंगी। फिश को अच्छी तरह से मसल मसल कर हम मैरिनेट करेंगे ताकि मसाला अंदर तक लग सके और मसाले का टेस्ट आ सके सब अंदर तक। फिश को मैं मैरिनेट कर कर 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। अंदर तलक हम मसाला भरेंगे ताकि मसाला अंदर तक रच बच जाए और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। चलो, फिश मैरिनेट हो चुकी है। मैंने एक चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है फिश फ्राई करने के लिए। मैंने 2 अंडे लिए हैं 1 प्लेट में। अंडे को मैं फोड़ कर उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह से बेट करूंगी और फिश को इसमें फिश को इसमें डालकर हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फिश हमने फ्राई कर ली है। फिश को फ्राई करने में देर नहीं लगती, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। एक बार ज़रूर देखना, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी टेस्टी डबल फूड को लाइक करना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ऐसी और नई वीडियो लेकर मैं हाजिर होंगी। लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अल्लाह।